फ्रेंड्स, टाटा मोटर के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और इस बार इस रिजल्ट के अनुमान में अगर बात करें तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ही आंकड़ा था कि इसकी रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन 82,000 से लेकर 88,500 तक आ सकते। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो पिछले साल 62,492 करोड़ की कॉन्सोलिडेट रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी वो 88,627 है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अनुमान था 88,500 तक का उससे भी 127 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन का आंकड़ा है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन अनुमान से अच्छी आई ऐसा हम कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहां देख रहे होंगे कि जो पिछले साल 9,894 करोड़ का लॉस था वो इस बार 7,605 करोड़ का कंपनी ने लॉस दर्ज किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही सारी एडजस्टमेंट है, इसी वजह से हमें ओवरऑल कॉन्सोलिडेट बेसिस पर कंपनी ने लॉस दर्ज किया ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट आप यह देख सकते हो फ्रेंड्स, जो पिछले साल कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल 7,939 करोड़ थी वो बढ़कर 14,333 करोड़ रही। तो यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स में बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और पैसेंजर व्हीकल्स जो पिछले साल 2,500 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर लगभग 8,475 करोड़ है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जेगुआर जो पिछले साल 50,561 करोड़ की सेल थी वो बढ़कर 66,074 करोड़ रही। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट की कॉपी थोड़ी डल है तो इसी वजह से आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट ओवरऑल देखें तो अनुमान से काफ़ी अच्छे रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन के फिगर देखने को मिल रहे। हालांकि इस बार कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज नहीं किया क्योंकि ओवरऑल एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है।